हाँ मामा। अरे राज कट्ठे है तू, घर पे सबको तारी घनी चिंता हो। मामा मैं एक डिटेक्टिव से मिलने आया हूँ। के डिटेक्ट मतलब जासूस ना? पर के वास्ते? सिर्फ जमानत मिला तो काफी नहीं होता ना मामा, किसी ने तो आबास का खून किया है और मुझे पता कि मैंने ये नहीं किया है, तो अवनी और उसके परिवार के सामने अपनी बेगुनाही साबित करने का ये एक तरीका है मामा, असली कातिल को ढूंढना। राज 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 मारी बात सुन, देख ये सब मारे पे छोड़ दे, मैं देखता हूँ क्या करना है। नहीं मामा, ये काम तो मुझे ही करना होगा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे राज पर मारी बात तो सुन। अरे मारा बाप जी, जो छोरा तो मरवाएगा मारे को, इसका कोई इंतजाम करना पड़ेगा, इसको कहीं ऐसा उलझा के रखना पड़ेगा कि कुछ पता ना चले। के करूं के करूं मैं? बाप जी थैंक यू। कल जो हुआ उसके बाद तेरी इतनी हिम्मत कि तू दोबारा मेरे सामने आए? अरे तुमसे तो मारे को सिर्फ धक्का और धमकी मिली, पर मैंने तो तुमको धूल चखा दी, ऐसी नाक रगड़वा दी कि अब सर उठा के ना चल पाओगे तुम लोग। मैंने राज को जमानत दिलवा दी है। What? तुम लोग तो चाहते थे ना कि वो जेल में चक्की पीसे उम्र गुजारे, पर राज तो आराम से घर पे बैठ के पकवान मिस्तान के मजे ले रहा है। अरे तुम मारे को तो मार सको, पर राज राज का बाल भी बाका ना कर सको। मैं राज को मार दूंगा। आई किल राज, मैं उसे मार दूंगा।